गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जस्ट टेक आउट योर डिस्कवरिंग इंग्लिश बुक फॉर ग्रेड टू एंड ओपन योर पेज नंबर 191। यस स्टूडेंट्स, पेज नंबर 191 पर हम आ चुके हैं एंड हमने आपका जो रिवीजन कंसेप्ट में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड आर्टिकल्स ये हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं एंड नेक्स्ट हमारा है पंक्चुएशन मार्क्स। यस, अब हम देखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, पंक्चुएशन मार्क्स में आप देख रहे हैं फुल स्टॉप, मींस क्या होता है कि जब हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में हम एक छोटा सा, आपने देखा होगा ना सेंटेंसेस में, इस तरह से एक पॉइंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड फुल स्टॉप। यानी ये हमें शो करता है कि आपका आंसर यहाँ पर आके कंप्लीट हो चुका है। यस, फुल स्टॉप। अब देखते हैं, अ फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यही बताया मैंने भी आपको कि फुल स्टॉप का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारे सेंटेंस का एंड होता है, मींस जहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल, शी इज माय फ्रेंड। आप देख रहे हैं लाइट हाइलाइटेड किया हुआ है रेड कलर में, यहाँ पर ऑरेंज कलर में, सॉरी, देख रहे हैं आप कि यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि वो मेरी दोस्त है, है ना, या वो मेरा दोस्त है। एग्जाम्पल में आपने देखा यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यानी हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन मार्क्स, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे बोला जाता है। सेंटेंसेस दैट, वह वाक्य, आस्क समथिंग एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, मतलब कहाँ पर एंड होता है, जहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, आपसे कुछ पूछा जा रहा है और वहाँ पर आकर के आप क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम, आप देख रहे हैं हाईलाइटेड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किस तरीके से लगा हुआ है, मींस आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं जहाँ हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं। कंप्लीट पंक्चुएशन मार्क्स में आपके ओनली टू ही टॉपिक्स हैं, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स, दोनों कंप्लीट होता है। एंड हम आ जाएंगे पेज नंबर 192 पर, पेज नंबर 192। एंड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंसेस। देखिए, टेंसेस क्या होता है, जिसमें हमें टाइम का, है ना, टाइम का पता चलता है कि किस टाइम में हमने काम को कंप्लीट किया। देखिए, टेंसेस टेल अस व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, किस टाइम में आपने वर्क को कंप्लीट किया। फॉर एग्जांपल देखिए, प्रेजेंट टेंस का मींस होता है वर्तमान समय, यानी अभी जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो ये हमारा क्या प्रेजेंट टाइम है, और जो वीडियोस हमने पहले बनाए हैं वो आपका पास्ट टेंस में चला जाएगा, और जो हम आगे बनाने वाले हैं वो आपका फ्यूचर टेंस में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रेजेंट टेंस में, शी सिंग्स इन द बैंड, वो कहाँ गाती है, बैंड्स में गाती है, ठीक है। पास्ट टेंस में देखिए, यानी अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीटली चल रहा है वो, है ना। तो देखिए, शी सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, मीन्स वो एक गाना गा चुकी है। नेक्स्ट देखिए, शी विल सिंग अ सॉन्ग, मीन्स वो एक गाना गाएगी। तो इस तरीके से हम टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का हमें पता चलता है। कोई भी वर्क होता है, एक तो हम कर रहे हैं, एक कर रहे होते हैं, और या फिर एक हम कर चुके हैं या करने वाले होंगे। तो इस तरीके से टेंसेस को, हमारे समय को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे जॉइनिंग वर्ड्स पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो हमारे सेंटेंसेस को, दो वर्ड हो या दो सेंटेंस या सेंटेंस हो, उसको जॉइन करता हो, जोड़ता हो। देखिए, जॉइनिंग वर्ड्स, जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ देता हो, कनेक्ट कर देता हो, दैट इज कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड कॉफी। एग्जाम्पल में आपने देखा दो सेंटेंस होते हैं यहाँ पर, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, मतलब मुझे कॉफी पसंद है और मुझे टी भी पसंद है, लेकिन हमने इसे क्या किया, एंड जॉइनिंग वर्ड से इस दो सेंटेंस को एक में ही कंप्लीट कर दिया। देखिए, आई लाइक टी एंड कॉफी मीन्स मुझे कॉफी और टी मीन्स चाय दोनों ही पसंद है। नेक्स्ट देखिए, शी इज एब्सेंट, वो एब्सेंट है, अनुपस्थित है, बिकॉज शी इज इल। हमने बिकॉज जॉइनिंग वर्ड से इस सेंटेंस को क्या किया है, एक में बना दिया, और ईजियर भी बन जाता है स्टूडेंट्स, हमें जब जॉइनिंग वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारा सेंटेंस जो होता है वो बहुत ही सिंपल एंड ईजियर हो जाता है। वो बीमार, वो उपस्थित नहीं है क्योंकि वो बीमार है। वुड यू लाइक टू गो और प्ले, आप जाना पसंद करेंगे या खेलना, यह हमसे चॉइस पूछी जा रही, तो आप वहाँ पर और जॉइनिंग वर्ड का यूज़ करके
क्या करोगे? चॉइस का पता चल जाता है कि आप जाना चाहोगे या खेलना। कंप्लीट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए पोजीशन वर्ड्स, यानी आपको यहाँ पर पोजीशन का पता चलेगा। देखिए कैसे, पोजीशन वर्ड्स टेल अस द पोजीशन ऑफ द नाउन्स। इट मींस जो हमने नाउन पढ़ा है, मींस किसी का कोई प्लेस हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नाउन्स। तो उनकी पोजीशन हमें कौन बताते हैं? पोजीशन वर्ड्स। अब हम एग्जांपल में देखेंगे पोजीशन वर्ड्स होते क्या है। देखिए द कैट इज इन द बॉक्स, यानी कि बिल्ली की पोजीशन क्या है कि वो कहाँ है? बॉक्स में है। तो आप जो हाईलाइटेड देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में, आपने सभी में ऊपर वाले में भी देखा है जो टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं, और यहाँ भी आप देख रहे हैं इन, अंडर, ये सब क्या है आपके? पोजीशन वर्ड्स हैं। ठीक है, कि कैट कहाँ है? बॉक्स में है। जैसे सेकेंड देखिए, शी वॉज सेटिंग, वो बैठी है अंडर द ट्री, कहाँ पर? पेड़ के नीचे। मीन्स उसकी पोजिशन क्या है? पेड़ के नीचे, मतलब वो बैठी हुई है, दैट इज कॉल्ड पोजिशन वर्ड्स। एंड द लास्ट इज एडजेक्टिव्स। देखिए एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट द काइंड, कलर, शेप, साइज और नंबर ऑफ द नाउन। मीन्स हमने जो कुछ भी पढ़ा कि एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं नाउन का, क्या बताते हैं? उसका काइंड, किस तरह की है, कलर उसका, शेप है ना, और नंबर में मतलब कितने हैं। अभी आप देखिए फॉर एग्जाम्पल I have 5 pencils. Means यहाँ हमें नंबर का पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स कि पेंसिल्स कितनी है? 5 हैं, है ना। She has huge dog. Means उसके पास डॉग तो है, बट वो कैसा है? Huge means बहुत बड़ा डॉग है। तो आपने जो देखा यहाँ पर नंबर देखा 5 पेंसिल्स है, डॉग तो देखा आपने लेकिन कैसा है? बड़ा है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे एडजेक्टिव्स। मीन्स नाउन के बारे में आपको पता चल रहा है कि नाउन की संख्या पता चल रही है, उसका शेप पता चल रहा है। अगर हम यहाँ पर शी हैज़ अ ब्लैक डॉग भी लिख देते तो आपका ब्लैक जो होता वो क्या होता? एडजेक्टिव होता, क्योंकि नाउन का क्या बता रहा है? वो कलर बता रहा है। मीन्स डॉग जो नाउन है, और डॉग कैसा है? ब्लैक है, बड़ा है, छोटा है, जैसा भी है। तो उनकी जो हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स, उनकी जो विशेषताएं पढ़ते हैं नाउन्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट वन इज नाउन। इट इज अ वेरी सिंपल। देखिए अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यस, एक नाउन यानी संज्ञा क्या हो सकती है? किसी व्यक्ति का नाम, कोई स्थान, कोई इंसान, जानवर या फिर कोई वस्तु, ये क्या कहलाता है आपका? नाउन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ पर आपको दो प्रकार के नाउन बताए गए। संज्ञा कितने टाइप बताए? दो, एक तो कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन। देखिए कॉमन नाउन में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स? आप बोल देते हैं इजीली दिस इज अ बॉय, मीन्स वो लड़का है, आपने उसे बोल दिया कि दिस इज अ बॉय, तो ये आपका कॉमन नाउन में आएगा। बट प्रॉपर नाउन कैसे होगा? उसी बॉय का अगर हमने नेम ले दिया कि हिज नेम इज राहुल, कि उसका नाम क्या है? राहुल है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कि वो एक लड़का है, तो हमने उसे बोल दिया ही इज अ बॉय, वो आपका कॉमन नाउन होता है। बट अगर उसी बॉय का आप नेम बता देते हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर हुई है चीज? पेज नंबर 192 पर हमारे जितने भी टॉपिक्स स्टूडेंट्स हमने क्लियर किए हैं, ये ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट ये रिवीजन में आपको एक साथ दे दिया है। इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स आपको वो भी बताए हैं जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, डिडक्ट कर दिया गया है, जैसे टेंसेस आपका मैंने इसीलिए आपको ज़्यादा लॉन्ग वे में ना बताकर शॉर्ट टर्म में मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि ये आपके उसमें नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे पेज नंबर 193 पर आप जब आएंगे तो आपको प्रैक्टिस जोन 2 नज़र आ रहा है ना। तो ये जितने भी प्रैक्टिस जोन्स हैं पेज नंबर 193 पर भी देख लीजिए, एंड पेज नंबर 194, 95 एंड 196, जितने भी पेज नंबर्स मैंने आपको बताए। इट मींस क्या है, 193 से 196 तक ये आपका रिवीजन वर्क है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने दोबारा सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए, बट इनके जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको ही करना है, इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?